इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ व उनकी तीन पत्नियां अयोध्या में राज करते थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ के कहने पर वह यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसके उपरांत उन्हें चार पुत्रों की प्राप्ति होती है, ज्येष्ठ पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न। शिक्षा प्राप्त करके वे चारों ही शास्त्रों व युद्ध कलाओं में निपुण हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ राजा जनक की सुपुत्री सीता विवाह योग्य हो गई थी। अपनी पुत्री के लिए उचित वर की तलाश करने हेतु राजा जनक सीता स्वयंवर का आयोजन करते हैं। स्वयंवर के लिए शर्त यह थी कि जो भी राजकुमार शैव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा, मेरा यह प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं, परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि शूरवीर कहलाने वालों की इस भीड़ में एक सच्चा शूरवीर कोई भी नहीं है। बस महाराज बस, इतनी अनुचित और लज्जाजनक बात कहने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि सभा में रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। वत्स, अपने आसन पर विराजो। राम, किसने तोड़ा भगवान शिव का धनुष? किसका इतना दुस्साहस? मूर्ख, बताओ, बताते क्यों नहीं? किसकी मृत्यु मुझे यहाँ खींच कर लाई है? मैं उसे स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। इतना क्रोध? एक धनुष टूटने पर इतना क्रोध? इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? हमने तो बचपन में कई धनुषियां तोड़ी हैं, यह भी तो एक साधारण सा धनुष ही तो है। लगता है तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हो। जरा सा हाथ क्या लग गया और वे टूट गया। इतना दुस्साहस? मूर्ख, मैंने तो तुझे तुझ बालक समझकर अब तक जीवित रखा, और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता। मूर्ख, तुमने मुझे एक साधारण ब्राह्मण समझ रखा है। बस अब मुझे और दोष मत देना, यह बालक निश्चित रूप से दंड का अधिकारी है। मुझे मरने का भय नहीं, परंतु आपने मेरे देवकुल भैया को मारने की बात कही है, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। भगवान, मैं आपसे अपने छोटे भाई की ओर से क्षमा मांगता हूँ। ये नादान है, ना समझ है, परंतु आपका अपराधी नहीं। आपका अपराधी तो मैं हूँ। आप चाहे तो अपने इस दास को माफ करें, चाहे दंड दें, मैं सज्ज हूँ आपके आदेश। तुम भी कुछ कम दुष्ट नहीं हो, उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। भगवान, हम रघुवंशियों का तो ये धर्म है कि हम ब्राह्मण, स्त्री और गौ पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण तो हमारे लिए पूजनीय है, और भला प्रभु और दास में कैसा युद्ध? भगवान, आप अभी तक अपने राम को नहीं पहचाने, परंतु मैं तो आपके प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्र वंश की असुप्रभुता है, अभय होए जो तुम्हें डराए। राम, अगर तुम विष्णु के इस धनुष पर बाण का संधान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा और मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। राम, भगवान, आप तो यह जानते ही होंगे कि यह दिव्य विष्णु बाण कभी खाली नहीं जाता, तो बताइए इससे मैं किसे नष्ट करूं? आपकी मन की गति से किसी भी स्थान पर आने जाने वाली शक्ति को, या फिर आपने अपने तपोबल से जो पुण्य अर्जित किए हैं उसे नष्ट करूं? रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति को नष्ट ना कीजिए, इसकी मुझे परम आवश्यकता है। परंतु आप मेरे पुण्यों का नाश कर दीजिए, इससे नाश होगी मेरी कीर्ति और अहंकार से जड़ित मेरा क्रोध।
जड़ित मेरा क्रोध। इस तरह भगवान राम ने शिव धनुष तथा परशुराम के अहंकार को तोड़